बिहार में चल रही सियासी उठापटक के बीच हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद नित्यानंद राय जी। नित्यानंद जी, कैसे देख रहे हैं आप गठबंधन का भविष्य, क्योंकि बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं आरजेडी और जेडीयू में। देखिए, हम बिहार का भविष्य देख रहे हैं, गठबंधन के नेतृत्व में बिहार का भविष्य बढ़िया नहीं है, उज्ज्वल नहीं है। और तेजस्वी यादव जिस प्रकार से बिल्कुल बिहार के गरीब किसान मजदूरों का धन अपने नाम कर लिया है अवैध संपत्ति के रूप में, लालू जी ने जिस प्रकार से बिहार के पशुपालकों को लूटा है, और यह साबित हो चुका है, इस परिस्थिति में नैतिकता के आधार पर तो तेजस्वी यादव जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इस्तीफा से इनकार करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अब उनको मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। गठबंधन अगर टूटता है, महागठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ, आपका रुख क्या होगा, यानी बीजेपी का, क्योंकि जेडीयू कह चुकी है कि वो उन दोनों पार्टियों से आरजेडी और कांग्रेस के बजाय बीजेपी से ज़्यादा सहज थे। देखिए, यह मामला केंद्रीय नेतृत्व का है, इस पर हम अपना विचार व्यक्त करने के अधिकारी नहीं है, यह मामला बिल्कुल केंद्रीय नेतृत्व का है। नहीं, यकीनन केंद्रीय नेतृत्व तो फैसला करेगा, लेकिन एक अस्थिरता के दौर में अगर राजनीति वहाँ की आती है, सत्ता आती है, तो क्या आप और जेडीयू पहल करके सरकार बनाएंगे? देखिए, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अस्थिरता का दौर अगर बिहार में किसी प्रकार से आ ही जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी नहीं, महागठबंधन के लोग हैं। नहीं, जिम्मेदार तो होंगे, लेकिन भविष्य फिर बिहार का सुधरे उसके लिए आप एक पहल करेंगे? देखिए, बिहार का भविष्य तो अब ठीक होगा भी तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के नेतृत्व में। बिहार के जनता भी अब विश्वास करने लगी है जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के नीति के कारण जब देश विकास के पथ पे जा रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है, रोजगार का सृजन हो रहा है, आज सड़कें बन रही है, आज बहुत सारी दवाइयों का कीमत कम हो गया, किसान की आमदनी दोगुनी हो जाए इसकी योजना बन रही, सारी विषयों पर अब बिहार के लोग भी देख रहे हैं कि बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार होगी तो देश विकास के पथ पर दौड़ पड़ा है, हम भी बिहार के लोग देश के साथ विकास के दौर में उसके साथ होंगे। नितिन जी, आपने कहा कि नैतिकता के आधार पर अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार बर्खास्त करें तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को आप कितना नैतिक जिम्मेदार मानते हैं भ्रष्टाचार के लिए? क्योंकि जब यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार हो रहे थे तो बीजेपी अक्सर कहती थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर हेड ऑफ कैबिनेट वो जिम्मेदार हैं, नैतिक जिम्मेदार हैं, तो अब हेड ऑफ कैबिनेट होने के नाते क्या नीतीश कुमार को आप नैतिक जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जो अभी सामने मैं देख रहा हूँ, मैं उसकी बात करना चाहूँगा। अभी तो यह है कि अवैध संपत्ति बड़ी ही भारी मात्रा में लालू परिवार ने, तेजस्वी यादव जी ने अर्जित कर ली है, और इस पे सीबीआई का छापा पड़ा, बहुत सारे मामले उजागर हुए हैं, साबित हो चुके हैं, उन पर मुकदमा दर्ज है। तो इस प्रकार बिहार के गरीबों का हक मारने वालों पे कार्रवाई बहुत उचित है, और कार्रवाई जो भी विभाग कर रहा हो, चाहे सीबीआई कर रही हो, यह बहुत उचित है, और इस परिस्थिति में उनको मंत्रिमंडल में रहना भी उचित नहीं है और रखना भी उचित नहीं है। लेकिन ये सर हमारे सवाल का जवाब नहीं है। हमने कहा कि आप नैतिक रूप से जिम्मेदार जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को मानते थे यूपीए सरकार के घोटालों के लिए, तो क्या अब आरजेडी के घोटालों के लिए आप नीतीश कुमार को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जो यह आगे समय क्या निर्णय लेते हैं तो फिर इस पर हम बात करेंगे। अभी तो आरजेडी का घोषणा ही हुआ है कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे, इस पर जदयू का क्या रुख होता है उस पर फिर उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। नीतीश कुमार की चुप्पी पर क्या कहेंगे? नीतीश जी की चुप्पी जायज़ नहीं है, चुप्पी तोड़ना चाहिए और अपनी नीति को स्पष्ट करना चाहिए। बिहार की जनता तो अब यही चाह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ बोले, अपनी चुप्पी तोड़े। एक आखिरी सवाल, जिस तरह जीएसटी पर आपको समर्थन मिला उनका, उससे पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो उम्मीदवार हैं रामनाथ कोविंद एनडीए के, उनको उन्होंने समर्थन दिया, ये भविष्य के अच्छे संकेत हैं कि वो फिर से एनडीए का हिस्सा बनेंगे, आपके साथ हाथ मिलाएंगे? देखिए, उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन दिया, जीएसटी का समर्थन दिया, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत पहले भी कर चुकी है, बिहार इकाई ने आज भी कर रही है, और आभार भी व्यक्त इसके लिए कर रही है कि उन्होंने अच्छा काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नित्यानंद राय जी का ये कहना है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए अपने मंत्रिमंडल से। अगर गठबंधन टूटता है बिहार में जेडीयू और आरजेडी का, तो बीजेपी का क्या रुख होगा, इस पर पार्टी आलाकमान फैसला लेगा। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह नीतीश कुमार चुप हैं, उस चुप्पी को
नित्यानंद राय जी गलत मान रहे हैं। राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।